हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी क्लास के, या जैसे जो लिखना शुरू कर रहे हैं उनके उन बच्चों के लिए हम किस तरीके से उनको खेल खेल में हम उनको अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स उनको कैसे लिखना सिखाएं। तो ये क्या है, फ़न के थ्रू एक एक्टिविटी माने गेम भी हो जाएगा और उनको खेल खेल में लिखना भी हम सिखा सकते हैं। तो घरेलू चीज़ें जो आपके पास घर में चीज़ें हैं उसके थ्रू आप किस तरीके से बच्चों को लिखना सिखवाएंगे। जब बच्चों को स्ट्रोक्स हम करवा देते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग, स्लेंटिंग और कर्व, ये सब हम जब सिखा देते हैं तो इस तरीके से हम उनको घर पर जो भी आपके पास हो आप उनको कलर दे सकते हो। मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया कि किस तरीके से हम बच्चों को लिखने का अभ्यास करवाया। तो इस तरीके से देखो, ये मैंने आज न्यू ट्रिक मैंने बताई बताने जा रही हूँ अपनी इसमें वीडियो में। तो इस तरीके से ये मैंने एक A4 साइड सीट ली है, उसको मैंने नीचे से मैंने उस पर एक कार्डबोर्ड लगवा दिया है। और ये देखो मेरे पास एक सीट थी प्लास्टिक सीट, मैंने उसको उसके अंदर क्या कर दिया, उसको कवर कर दिया। आप इस तरीके से उनको कुछ भी ड्रॉ करके दे सकते हो। जैसे आप अगर से नंबर्स करवाने तो आप जैसे आप लाइनिंग भी दे सकते हो बिल्कुल सिंपल, या आप उस पर कुछ बना सकती हो, आप उस पर कुछ भी आप सर शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। अगर से बच्चा सीख रहा है तो उसको पहले स्ट्रोक्स हम देंगे, या स्ट्रोक उसने सीख लिया और उसको आप अल्फ़ाबेट उसको करवाना चाहते हो, पहचान उसकी करवाना चाहते हो, तो इस तरीके से। जैसे मैंने ये 1 लिख लिया है और ये मैंने 2 लिख दिया है और फिर मैंने ये 3 नंबर लिख दिया है। तो अब मेन बात ये है कि मैं आपको क्या आइडिया दूँ कि आप जिस तरीके से बचो। तो आपने ये मेरे पास क्या है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आज मैं किस चीज़ से बच्चों को ये वाली एक्टिविटी करवा रही हूँ। तो ये देखो, लुक हियर, ये है हमारे पास। देखो आज मैंने भिंडी बनाई थी तो मैंने उसका देखो ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये मैंने संभाल के रख दिया। ये मेरे दिमाग में अचानक आइडिया है। इस तरीके से आप हमने क्या करा, इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिए, ये नंबर्स मैंने लिखे हैं और इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हो। और बच्चे देखो उसी के ऊपर क्या करेंगे, बच्चे इसको फिल करेंगे। ये देखो, तो ये है फन के साथ हमने क्या कर दिया, बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन इसमें क्या होगा, आसानी से रिकॉग्नाइजेशन बच्चे करेंगे। ये देखो, ये हमने क्या कर दिया, 1 ड्रॉ कर दिया। आप देखो नंबर 2 है, इस तरीके से क्या करेगा बच्चा, उसको क्या है, ये क्या है, खेल के साथ बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहा है। तो ये देखो, कहीं आप खरीद के नहीं लाना है वेस्ट मटेरियल, आप इसको बोलोगे इसको आपने क्या करना है, थ्रो ही करना है डस्टबिन में, तो आप क्या कर सकते हो इस तरीके। और ये कुछ हार्मफुल भी नहीं है इस तरीके से। ये देखो नंबर 2, अब देखो नेक्स्ट 3 नंबर है। ऐसे मैं और भी आइडियाज़ आपके पास लेकर आऊँगी, आप देख के बताएं आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। अगर से आपको पसंद आए तो कमेंट्स जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। ये है हमारी आज की फन एक्टिविटी, इजीली बच्चा क्या कर सकता है, इसको बना सकता है, कर सकता है। ये है हमारा फन, इंटरेस्टिंग सा देख लिया है। ये मैंने अपना दिमाग यूज़ करा, देख लिया ऐसे करते हैं यूज़। तो ये हमारी आज की एक्टिविटी है। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये देखो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बच्चे को क्या कर सकते हो, इंगेज रख सकते हो, बिजी रख सकते हो। और ये देखो, इस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से आप क्या बच्चा सीखेगा और उसको क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से आप कुछ भी शेप्स है, अल्फ़ाबेट है, आप कुछ भी क्या कर सकते हो, उसको सिखा सकते हैं घर पर बैठे बैठे। कोई मार्केट से कोई भी आपने क्या कुछ परचेज नहीं करा। इस तरीके से मैं और भी आइडियाज़ आपके साथ लेकर आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो ये थी मेरी